तो यहाँ पे देखो हेलमेट लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, इसने हेलमेट नहीं पहना है। ओके ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। बहुत ही सवेरे सवेरे मैं शूट करने जा रहा हूँ और वी आर इन सेक्टर 17 उलवे। आज आपको न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नया रोड बन चुका है उसका सुपर व्यू GoPro के साथ दूंगा, तो बने रहे टिल द एंड। तो चलो अभी चलते हैं सेक्टर 17 से, मैं अभी सेक्टर 18 जा रहा हूँ। तो चलो एंजॉय करो राइट, मॉर्निंग व्यू ऑफ न्यू मुंबई एयरपोर्ट रोड। एक लास्ट में एक वीडियो बना था यार मैंने, लेकिन वो कार में था मैं, तो उतना मज़ा नहीं आया रहेगा आपने देखा रहेगा तो। अभी ये बाइक पे आपको अच्छा लगेगा। एंड दिस इज़ अ बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन, आगे वाला जो है ये। एंड हेयर वी आर इन सेक्टर 18। सेक्टर 17 दिखाया आपको जो स्क्वेयर था, अभी सेक्टर 18 है और यहाँ पे देख सकते हैं कितना डेवलपमेंट हुआ है सेक्टर 18 में। सेक्टर 18 से लेके 18-19 ऐसा करके करके जाएंगे आगे। फुल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देख सकोगे, देखो यहाँ पे सेक्टर 18 उलवे पूरे बिल्डिंग्स पे लिखा है। सो अभी सेक्टर 18 में है, थोड़े ही टाइम में जाएंगे सेक्टर 19 में पहुँच जाएंगे। और ये रोड शायद से बन रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा गड्ढों भरा रोड है, लेकिन ठीक है यार अभी डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट बाकी सारे रोड कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा बाकी है। ये पूरा यहाँ से शगुन तक, शगुन पूरा रोड बाकी है यहाँ पे। होप सो आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। इतने सवेरे सवेरे शूट मतलब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ यार। जनरली आफ्टरनून में करता हूँ या फिर शाम में करता हूँ, लेकिन अभी 10 AM इन द मॉर्निंग। सो बहुत धूप है यार, मुंबई में तो धूप है। अभी बारिश शायद से 3 दिन हो गए, हुआ नहीं है। आपके सिटी में क्या हालचाल है लीजिए कमेंट करके बताओ, प्लीज़ बताओ। ऑल राइट, हेयर इज़ अ बमन डोंगरी रेलवे स्टेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स शगुन स्क्वेयर। शगुन स्क्वेयर मतलब ये बहुत क्या बोलते हैं इसको, झगमगाहट वाला स्क्वेयर है जहाँ पे सारे फास्ट फूड वगैरह स्टॉल्स इवनिंग में रहते हैं। और यहाँ पे रिलायंस डिजिटल भी है एंड दिस इज़ अ शगुन स्क्वेयर। सेक्टर 19 में आता है और बमन डोंगरी रेलवे स्टेशन भी सेक्टर 19 में आता है। एंड हेयर वी गो, ये देख सकते हो पूरा ये शगुन स्क्वेयर है, शगुन रियलिटी बुक। थोड़े यहाँ पे गड्ढे हैं लेकिन ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है यार। सो ये पूरा सेक्टर 19 है। होप सो रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से हो रही है एंड आपको आवाज़ भी बहुत क्लियर एंड क्रिस्प आ रहा होगा। जो पूरा दिख रहा है 24 सेक्टर है, देख सकते हो बिल्डिंग में सेक्टर 24 लिखा है। सो गाइज, ये सेक्टर 24 जो दिख रहा है वो नियरेस्ट है एयरपोर्ट एंड ये हाईवे के। सो आप यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट या फिर फ्लैट लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा संभल के, रेंट के हिसाब से ठीक है, लेकिन एज खुद के लिए ले रहे हो तो आपको प्लेन के जो उड़ने के आवाज़ रहेंगे ना, झूम झांग, और हाईवे के जो ट्रक के आवाज़ रहेंगे मजबूत वाले आने हैं। तो रेंट के हिसाब से अगर रेंट पे आपको देना है तो उसके लिए ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। लास्ट में तो आपकी मर्जी है,
एंड यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक आगे आगे मिल सकता है, मुझे पता नहीं अभी क्या होगा क्या नहीं। यहाँ पे बहुत जाम लगता है 9 to 10 के बीच में ना, यहाँ पे अभी 10 के आगे हो गया है, तो ऑफिस टाइमिंग में यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। देख सकते हो अभी आगे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया है। थोड़ा सा कुछ हो गया, एक दो ट्रक आ गए कि ज़्यादा पूरा जाम हो जाता है यहाँ पे। और ये रोड अब भी बना है सीमेंट का, इसके पहले इसका भी काम चल रहा था तो बहुत ट्रैफिक जम गया था, अभी जम गया है ट्रैफिक। तो गाइस बस की वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था तो अभी छूट गया है एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। और ये देख सकते हैं पूरा एयरपोर्ट साइट, पूरा ये जो रोड है ना पूरा 4x4 8 लेन रोड है। एंड यहाँ पे पूरा देख सकते हैं पूरे जो माउंटेन है उसको तोड़ तोड़ के पूरा एयरपोर्ट बन रहा है। फुल सुपर व्यू, एंजॉय करो। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो वो है तरघर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे अभी अभी रोड हुआ है तो भी थोड़े से गड्ढे गिर गए हैं, आज धूल बहुत है यार। और लेफ्ट साइड में है तरघर स्टेशन। सो आप देख सकते हैं पूरा ये चार और वो चार लेन का रोड है टोटल। सो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब एयरपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये रोड कंस्ट्रक्ट किया है। अभी ये ट्रक और इसके वजह से धूल ज़्यादा आ रही है। सो गाइस दिस इज़ अ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू द एयरपोर्ट। सो बहुत ही नियरेस्ट है, नज़दीक है। इसका भी बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन बना है, पूरे रोड्स वगैरह अंदर भी है पार्किंग के लिए फोर व्हीलर। और देख सकते पूरा टू टेन के बीच में यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है, तो ये पूरा हाईवे थोड़ा संभल के चलाइए गाड़ी यहाँ पे जब चलाते हो, तब पूरे ट्रक्स ही ट्रक्स है। ट्रक्स बहुत सारा धूल वगैरह छोड़ देता है, तो हेलमेट गाइस हेलमेट यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गाइस विदाउट हेलमेट मेरा एक दोस्त था जो ये पत्थरों भरे ट्रक्स रहते हैं ना, उसका थोड़ा सा जो एक पत्थर का थोड़ा सा टुकड़ा उसके आंखों में चला गया, तो गाइस बहुत उसको तकलीफ झेलनी पड़ी। सो हेलमेट इज़ एसेंशियल ऑन दिस रोड। हेलमेट के सिवा आप सोचना भी मत इसको मतलब इधर गाड़ी चलाना। देखो यहाँ पे देखो हेलमेट लेफ्ट साइड में देख सकते, इसने हेलमेट नहीं पहना है। तो ऐसा मत करो यार, हेलमेट पहना करो क्योंकि आपकी सिक्योरिटी है उसमें, आपकी सुरक्षा है उसमें, हेलमेट इज़ एसेंशियल। और ये देख सकते हैं पूरा ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा बेलापुर क्रिक है, इसके ऊपर से ये वाला ब्रिज है। और गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं नियर टू नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अभी यहाँ से एक सिग्नल लगेगा, बस हाईवे पे सिग्नल होना चाहिए, जैसे पाम बीच रोड पे सिग्नल है यहाँ पे भी लगेंगे फ्यूचर में जाके, ऐसा मुझे लगता है। होप फॉर द बेस्ट कि लगता है कि नहीं लगता है। और यहाँ पे भाई साहब ये रोड ना बंद है, इसके लिए यहाँ पे बहुत मजबूत वाला ट्रैफिक लगता है। बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक लगता है यहाँ पे। गाइस देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आपको मिलता हो ट्रैफिक पूरा क्रॉस करने के बाद। तब तक के लिए म्यूज़िक एंजॉय करो।
सिग्नल छूट गया, अभी जाते हैं। दिस इज़ नवी मुंबई महानगर पालिका, बहुत बार देख चुके होगे मेरे वीडियोस में। अरे यार कितना ट्रैफिक रहता है यार इधर, मतलब दोनों तरफ से भिड़ गया है अभी। ओके ऑल राइट गाइज, वी आर इन बेलापुर सीबीडी, और यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेट जाओगे तो पुणे पनवेल एक्सप्रेसवे को भी आप टच करोगे, एंड दिस इज़ अ बेलापुर सेक्टर 15। सो सेक्टर 15 में पहुँच गए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पहुँच गए सेफली। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड स्टे कनेक्टेड।